बताया, उसके दोस्तों से सुना, और घर में जो मेड थी आखिर तक जो थी प्रत्युषा के साथ, जब हम लोग तो चले गए थे यहाँ से, इसके बाद ये लोग शिफ्ट हुए जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, साईधाम टावर कांदीवली में, वहाँ से ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए मुझे नहीं पता, आजकल सुन रहा हूँ हमें नहीं पता। बट जो मेड लास्ट तक थी रेनू, वो प्रत्युषा के साथ, उन दोनों के साथ वहाँ गई थी। कुछ दिनों के बाद उसे भी उन लोगों ने निकाल दिया। बट इस बीच में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ, जबकि वो सलोनी नाम की लड़की आई, टॉर्चर की, वो मेड मारा, राहुल कभी प्रोटेक्ट नहीं किया उसको। ये दोनों की मिली भगत है कि नहीं हमें ये भी नहीं पता, ये आप लोग पता लगा सकते हो। और वो बच्ची जो है, मेड जो है, उसका नाम रेनू सिंह है, और वो भी अपना बयान दर्ज कराएगी। हम आपको नहीं बता सकते, हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि आप सबको FIR का कॉपी मिल जाता है थाने से। सर, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों को ये बताया था कि राहुल उसको काफी मारता पीटता है, बेल्ट तक से मारता है, इस तरीके की जानकारी नहीं, इनको नहीं बताया, उनके दोस्तों मुझे नहीं बताया था, मुझे नहीं बताया था। वो अब पता चल रहा है कि बच्ची काफी डरी भी हुई थी, और कैसे बताती, पापा मैंने गलत डिसीजन ले लिया, बेचारी गलत डिसीजन को सही करने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। बस हमें बताई तक नहीं ठीक से, एक आखिरी सवाल ना, अपने किसी फ्रेंड को पूरा ठीक से, इतना देर में पता चला उसके फ्रेंड्स को भी, बस कोई कुछ कर नहीं पाया, ये सब कुछ हो गया। प्लीज़, हमने काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए। बता दीजिए, आप लोग राहुल से बात करते थे, आप लोगों की आखिरी बार राहुल से कब बात हुई और किस बारे में बात हुई, क्या होती बातचीत? शुरू में बातचीत होती थी, उसके बाद राहुल से आखिरी बातचीत ये हुई कि मैं खुद बात किया, और हम बहुत परेशान थे। हम बोले कि अगर ये बिगड़ैल भी है तो चलो क्या करे, मेरे बेटी ने गलत डिसीजन ले लिया, गलत लड़के को भी पसंद कर लिया है, तो चलो इसका ही मन परिवर्तन करने का कोशिश करेंगे आगे। अगर मेरी बेटी को ऐसा ही लगता है तो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो, चल क्या रहा है यहाँ पे, बेचारी बता नहीं पा रही थी हमको, फिर भी हमने कोशिश की उससे बात करने की, चलो पिछला भूल जाओ, दोनों अच्छे से जियो, खुश रहो, यही कहने का कोशिश किया था। राहुल पहले से तलाकशुदा था, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी? मुझे कोई जानकारी नहीं थी इन बातों। ये बताया जा रहा है कि रिसेंटली राहुल तलाकशुदा है, आपको पता है? आपको पता है उसका डिवोर्स पेपर, उसका डिवोर्स फाइनल हुआ है? आप तलाकशुदा, हमारा एक सवाल है कि क्या राहुल का डिवोर्स पेपर किसी ने देखा है, सर्टिफिकेट देखा है? कि मैंने प्रत्युषा कोई भी है, आपके आपको जो उनके दोस्त लोग बता रहे हैं ना, उन्हीं दोस्तों ने बताया है कि राहुल तलाकशुदा था? नहीं, हमें ये मालूम है कि राहुल की शादी हो रखी थी, हम में से किसी को ये नहीं मालूम कि डिवोर्स फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके हिसाब से उसका डिवोर्स फाइनल हो गया है। राहुल के पिता ने ये बात चल रही है कि डिवोर्स हो चुका है और बोलते हैं कोर्ट में डिवोर्स हो। ग्रेट, ठीक है, तो वो होगी बात। ये बात प्रत्युषा को नहीं मालूम थी कुछ टाइम तक, बस लेटेस्ट बिफोर द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड वाज व्हेन शी गॉट टू नो दैट द गाय वाज मैरिड एंड द फैक्ट दैट ही हैड आई थिंक अ चाइल्ड आल्सो, 9 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा भी है उसका अपेरेंटली, राहुल राज का। जब उसे ये पता चला तो वो बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि ये बात छुपा के रखी गई थी प्रत्युषा से इन द बिगिनिंग, पोस्ट विच शी वाज, आप तो बिल्कुल मॉम डैड को नहीं बता पा रही थी कि एक लड़का था जिसने झूठ बोला इतने टाइम तक, वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, तो जो उसने एक गलत फैसला जो लड़का चूज़ किया था, अब वो एक एक करके उसकी तरफ समझ में आ रहा था कि वो कितना गलत है कितने सारे लेवल्स पे। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर उसको रियलाइज़ होने लगा था कि शी नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स वाई वो एक एक करके हर किसी को कॉल कर रही थी 2 हफ्ते पहले तक से, 10 दिन पहले उसने किसी को कॉल किया है, 5 दिन पहले काम्या को कॉल किया है, 3 दिन पहले किसी और को फ़ोन किया है, एक एक करके, कि वो और हर किसी से वो एक ही चीज़ बोल रही थी कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है, मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ। ये तो राहुल का पिता ही बता सकते हैं। हाँ, ये पूरा राहुल गलत का है। पिता ही बता सकते हैं। हाँ। हम इस पे क्या कह सकते हैं अगर मुझे पता ही नहीं इसके बारे में। मुझे ये इतना याद है कि प्लीज उन्हीं से पूछिए और उन्हीं से एविडेंस लीजिए, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो सारा एलिगेशन वो लगा रहे हैं। किसी जर्नलिस्ट ने ही बताया था मुझे, एक फोटो बताई थी जिसपे एक नॉर्मल फुल स्केप पेपर था और रेड
पेन से कुछ कुंडली बनाई हुई थी, तो प्रत्युषा बनर्जी की कुंडली एक फुलस्केप पेपर में, एक सिंगल पेपर में रेड पेन से बनी हुई नहीं है। जो वो कह रहे हैं कि हमने वो आई थी और कुंडली मैच की थी और वो मांगलिक थी, ये वो लोग ही कह रहे हैं। वो चाहे तो अब कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि राहुल शादीशुदा है या डिवोर्सी है या उसका 9 साल का बच्चा भी है या फिर उसने पिछले 4 सालों में 7 लड़कियों के साथ फ्रॉड किया है। उसके पीछे पास्ट में कितने सारे ऐसे केसेस उसके खिलाफ दर्ज है जहाँ पर उसने लड़कियों के साथ पैसों का फ्रॉड किया है, किसी के साथ 25 लाख का, किसी के साथ 7 लाख का। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ जो सामने आ रही है, ये राहुल राज सिंह के फादर ने बातें आप सबको नहीं बताई। वो बता रहे हैं एक फुल्स के पेपर पे एक रेड पेन से एक कुंडली बनाई हुई, जो वो कह रहे हैं कि प्रत्युषा बनर्जी की है। वाह, और हम यकीन भी कर लेते हैं। एज ए फादर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी बेटी मांगलिक नहीं थी, और आप कहो तो उसका कुंडली अवेल करा देंगे। अगर वो मांगलिक होती ना तो उसके साथ जो लड़का होता वो मरना चाहिए। That's a point. That's a point. Thanks. Please. Thank you very much. ये कुर्सियाँ हमारे अंदर रखना।